यहाँ पॉइंट क्यों नहीं लगा रहे हो आप? पॉइंट लगाओ यहाँ भी, यहाँ माइनस नहीं लगाई। बार बार मैं बोल रही हूँ माइनस लगाना है, या माइनस लगाना चाहिए ना, ये साइनों का खुद ही ध्यान रखना है हमें। नाइन में से बन गया, कितना बचेगा? अरे एट बचा। अब देखो ये गड़बड़ कर दिया तुमने, चलो करो मिटा के इसे एट करो यार, और नेक्स्ट सम करो फटाफट। 360 हो रही है ना, लाओ देख तो लूं, दो फटाफट। यहाँ भी एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 नहीं, 2 एंड 7, ठीक है, 2 और 7 का एलसीएम निकाला है हमने। ठीक है, एक मिनट, बुक इधर, एक मिनट, गड़बड़ कैसे हो रहा है? कौन सा वाला एप्पल है? ये भी चेक कर दो भाई, तेरे दोनों गए एफ, ये एफ दोनों गए, ये नहीं, ये वाला गए, मेरा भी तो पिकाए। एक मिनट रुक जाओ, अरे कहीं तो कुछ गड़बड़ की है तुमने, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गलती फिर से कर दी तुमने। हाँ ये देखो फिर गलती, 52/7 है या 7 आएगा, फिर 2 लिख दिया तुमने, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है तुमने, इसको ऐसे ऐसे देखो इधर आओ, ये था 8/1/4, 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 8, तो इसमें से इसको माइनस करना, तो ऐसे इसको समझो 7 है, 7/3/11, कौन है 7 बड़ा है कि 11, तो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, तो तुम्हारा 11 वाला बना ये 23 में से माइनस किया, तो 52/7 लिखना है ना, इसलिए गलत हो रहा है तुम्हारा, मिटा के सही करो सेकंड वाला, तभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या गलती हो रही है बार बार। ये रही ना मेरे पास है, तो ये माइनस नहीं गलत हो गया था तुम्हारा, 100 रुपए सही है तुम्हारा, तुम पीछे चल रहे हो बहुत, ई वाला क्या है फिर तो ठीक है, एफ वाला उतार लो फटाफट, लास्ट है इसका, ये एफ वाला, मैं तो लास्ट पे चल रहा हूँ, एफ वाला करो, एफ वाला 16 रुपीज 8 पैसे और 50 रुपीज है, 16 रुपीज मिटा के सही करो, वहाँ कोने में मत घुसो जाके, खुद ध्यान नहीं देते हो कि रुपए लिखना है नहीं लिखना है, बार बार गलत कर देते हो, तो 16.08 एंड 50.00 पैसे है ही नहीं इस बार, कौन है बड़ा भाई, ये है 16 रुपए और ये 50 रुपए, कौन है बड़ा, 50 रुपए, तो ये ऊपर आएगा, आ गया समझ में, चलो लिखो फटाफट, 0.00 रुपए लगा दो पहले साफ साफ, 16.00 16.08 पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे डेसिमल हटा देते हो तुम, यहाँ यहाँ भी डेसिमल लगा लो, आप करो माइनस, पहले ही माइनस कैसे कर लेते हो, बीच में कोई ना करते हैं माइनस, इधर से करेंगे ना कैरी लेंगे, इधर जीरो है, सीधे अपने आप ही जीरो, मिटा उसको, ऐसे नहीं करते हैं, गलत कर रहे हो तुम, बीच से माइनस होता है कभी भी, ले लो उससे तन्मे से ले लो आप भी, रिजल्ट नहीं है तो मिटा दो, जैसे बीच में जीरो नहीं लिखना अपने मन से सीधे, ये प्लस कोई ना कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, पहले यहाँ जीरो में से एट जाएगा, नहीं इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके यहाँ से कैरी लेंगे, 5 को काटो सबसे पहले, ऊपर लिखो कितना बचा, अब यहाँ 1 लगाओ छोटा सा, लगाओ 1, मिटाओ काट दो उसको, 9 लिखो ऊपर, अब 1 इसके पास लगाओ थोड़ा सा, काटो उसको, 9 लिखो ऊपर, अब 1 लगाओ यहाँ हल्का सा, बस हल्का सा लगाओ कि दिखे थोड़ा सा, तो बड़ा करो थोड़ा सा, 10 में से 8 सुनो कट जाएगा ना, 9 में से 0 काटनी है, 9 में से 6, 4 में से 1, अब करो, अब
अरे मेरे बाल को पकड़ लिया। यहाँ अशुद्धि फैला रहा है। अशुद्धि। अब ए हटा दिया अपनी मर्जी से, कुछ भी ए हटा दिया अपने आप ही, कुछ भी हटा देंगे, कुछ भी वैसे सही है। मुझे क्या पता वैसे क्या सही है और क्या नहीं। अरे मैंने आपको पागल का शर्म लग जाएगा दीवार में, कैसे कर रही हो तुम? अरे मैंने बताया था ना क्या है। आप सही है भाई, आया कुछ समझ में तब मैं उसमें नंबर देख लेना कौन बड़ा है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करना है फिर और फिर नीचे क्या लिखोगे इसमें, जो आया इतना शुड बी एडेड लिखो नीचे, मैडम ने लिखवाया हाफ मार्क्स काट देंगी तुम्हारे, मैडम पीछे भी लिख देना। समझाऊं इसे मैं, लो समझा दिया सबको, समझ आया? नहीं तुम्हें नहीं आया, तुम्हें भी समझाऊं? ये बोल रहा है समझा तो मैं कर लूंगा, इंजेक्शन लगा दूंगी सबको। नहीं लगा, जो पढ़ाई नहीं करते उनको पता है। मम्मी ने अभी निकाली थी ना बेड से डुगू, क्या स्वेटर? हाँ तो बेड में ही है सबके स्वेटर, और कहाँ है, सब बेड में रख देते हैं अपने। देखो मेरी अच्छी लग रही है जैकेट, देखो भाई क्या गड़बड़ है, देखो बुक में क्यों मार रहा है, ये माइनस का उधर गया प्लस का हो गया, ये सारा इधर आएगा तो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाते हैं सबके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है ना तो ये माइनस का बनेगा, माइनस का है प्लस का बनेगा, प्लस का माइनस का माइनस, लेकिन इसमें ये गलत कर दिया, इसका चेंज नहीं किया फर्स्ट वाले का, ये प्लस का है ना इसके पहले इधर जाएगा, ये माइनस का होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से गलती है पूरी, ये साइन चेंज होना था फिर बाकी सही होता तुम्हारा जो भी था आगे जो भी हम देखते। इसमें एडिट नहीं था, ई वाले में क्या लिखा था, इतना शुड बी, देखो थप्पड़ खाओगे फिर, शुड बी सब्ट्रैक्टेड बुक में से देखते नहीं हो, कुछ भी लिख देते हो मन से। आ गए समझ में तुम्हें? बिल्कुल अच्छे से आ गए। अब घर से 10.3 के सम्स घर से करके लाने हैं, डू एक्सरसाइज 10.3। एक मिनट, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन थ्री सारे सम्स करने हैं। वन और थ्री के? हाँ ठीक है, वन और थ्री कौन से एक्सरसाइज 10.3 के? लाओ जल्दी दो नोटबुक, मैं नोटबुक दे रही हूँ तुम्हें फटाफट, नोटबुक अरे जल्दी दो ना मैथ्स की, हो गया भाई तुम्हारा ये? अब ये वाला करके दिखाओ मुझे, सी वाला करके दिखा दो, सारे करने ही सारे नहीं करने, सी वाला करके दिखा दो, खुद क्वेश्चन पढ़ो खुद हिंदी निकालो, अब क्या करना है सी में, क्या स्टेटमेंट लिखने, स्टेटमेंट सही लिखनी आनी चाहिए हमें, कर देनी होगी। अरे मत मारो ना अपना, पढ़ने में ध्यान दो, आएगा सम्स कर लो अभी बाद में चेक होगा। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन वन और क्वेश्चन थ्री, चलो भाई इंग्लिश का काम करो दोनों के दोनों, नक्श लो नक्श, अब हमारी दो बाबू हिंदी का काम करना है दोनों को, सॉरी इंग्लिश का लाओ, मैं डेट डाल दू, डेट नहीं डाली भूल गई, ये बहुत ही मोटी बुक, हाँ ऐसी नोटबुक खरीदा करो तुम, ये सही है, मैं पापा से पूरी इतना बड़ा ऐसी मैथ्स की लो, हाँ लिख सकते हो सही है, जिसके लिए पास ये है ये पास दूर, एक जन पास है तो क्या बोलते हैं दिस, और एक जन अगर दूर है तो दैट, एक जन यदि बहुत सारे लोग पास हैं तो दीज, दिस का क्या हो जाता है एक है पास तो दिस, एक बड़ी है, सुनो बहुत सारे लोग अगर पास में है तो दीज, और जब एक चीज दूर है तो दैट, बहुत सारी चीजें दूर है तो दोज, आएगा आएगा। नहीं क्या लिखा, वह एक बड़ा ही है, वो आदमी है ना इंसान है ना कोई, तो ही ही हाँ ही लगता है लड़का लड़की कोई भी हो, हाँ एट वाला है इसमें देखा है, हाउ मच गर्ल्स इतना ही एक्साइटेड बाय, इससे ये कितना बड़ा है, तो हम पहले ये वाला उतारेंगे उसके बाद इसको ब्रैकेट, वो बड़ा है वो बड़ा है वो इससे कितना बड़ा है, इधर दो, He is a carpenter, C A R P E N T E R, कहाँ गया?
इससे ये कितना बड़ा है, यानी ये पहला वाला है ना, इसमें से इसको माइनस करना होगा, और तुम्हें पता है माइनस लगा के इसे ब्रैकेट में करना है। कौन से वाले को ब्रैकेट करना है? ये एक्सीडेड बाय, इससे ये कितना बड़ा है, तो इससे हिंदी निकल गई, ये ये इससे कितना बड़ा है, ये बड़ा कितना है, तो बड़ा ये है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, इसको पूरे को ऐसे लिखो माइनस है, इसको ब्रैकेट में होगा, और रिक्वायर्ड नंबर डाल के अपना कर लो। ये नोट होमवर्क नोटबुक दे दी मैंने मैथ्स की, तुम्हें बैग में रख लेना। ये मंथ वाला है क्या? हाँ, शी कलेक्टेड इन फर्स्ट मंथ, बस इतना ठीक है, इसे बैग में रखो अपनी होमवर्क कॉपी, बैग में डालो दस्तावेज। नेक्स्ट मैथ्स की बुक भी अपनी बैग में रख लेना, होमवर्क मिल गया तुम्हें। ओके, हाँ, डोंट बी लेट, ही इज अ कारपेंटर, फुल स्टॉप कर दो। सही लिखेंगे, कारपेंटर पेंट नहीं लिखते, पीई एन लिखते हैं। इसने पेंटर लिख दिया, पेंट वाला, ये भी थोड़ा सही समझो, ये पूरा नहीं लिख रहे हो, देखो आधा लिखते हो, इधर को देखो, यहाँ नीचे लिखो, पी मोटा बनाओ पूरा इतना, एन को ऐसे। नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ो फटाफट, नेक्स्ट सेंटेंस। मैं एक दर्जी हूँ। मैं को क्या बोलते हैं? मैं इंग्लिश में मैं को क्या बोलते हैं? आई 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 के साथ क्या लगाया था? इज आर की एम इज नहीं आर एम आई के साथ ही एम सिर्फ आई के साथ आता है, याद रहा। आई एम आई एम ए एम एम पूरा लिखो, ए और एम भी पूरा मोटा लिखो। आई एम एक को क्या बोलते हैं? ए ए लिखवाया था कल। आई एम अ टेलर, टेलर की स्पेलिंग TALOR, टी स्मॉल बनाओ, कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है। आई एम अ टेलर फुल स्टॉप। नेक्स्ट बनाना है, ड्राइवर है, मेरा भाई, मेरा भाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे भाई, मेरी मम्मी, यू तो तुम्हारा हो गया, माई ब्रदर, हाँ कोमा लगा दो, सही कर रहे हो, गुड। क्वेश्चन के हिसाब से नीचे के लिखने दो। अब नीचे वहाँ क्वेश्चन से देखेंगे क्या बोलता है उसने, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द प्लास्टिक डिड शी कलेक्ट, तो हम लिखेंगे शी कलेक्ट, शी कलेक्टेड, शी कलेक्टेड टोटल प्लास्टिक भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, शी कलेक्टेड टोटल प्लास्टिक इक्वल, ऐसे लिख दो खाली तो भी चलेगा। माई ब्रदर इज अ ब्रदर नहीं ब्रदर माई ब्रदर इज आर ड्राइवर इज अ ड्राइवर। देखो कितना गड़बड़ लिखा तुमने, ब्रदर इतना दूर, माई एकदम अलग, और ब्रदर इज अ एक साथ लिख दिया, गैप बराबर होना चाहिए ना, बेटा उसको माई को और थोड़ा इधर लिखो, गैप इक्वल नहीं है तुम्हारा। माई ब्रदर इज ए ए ड्राइवर, डी स्मॉल बनाओ, डी आर आई, डी बनाओ सही से, आर आई वी ई आर फुल स्टॉप, माय ब्रदर इज अ ड्राइवर। नेक्स्ट पढ़ो, हमारा घर बड़ा है। हाँ, हमारा को क्या बोलेंगे? यू यू योर तुम्हारा हमारा आवर आवर ओ यू आर ओ बड़ा बनाओ कैपिटल लाल लाइन से काली तक आवर ओ यू आर आवर घर को क्या कहते हैं? हाउस लिखो गुड आवर हाउस Our house, क्वेश्चन है के लिए क्या बोलेंगे? एक घर है ना, एक के साथ क्या लगा? इस की आर की एम, एक के लिए क्या लगाते हो? आर तो बहुत सारे इज आवर हाउस इज। हाँ भाई, अच्छा ये कर लूँ पहले मैं चेक, ठीक है, ठीक है, इनको ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट सही कर रहे हो। Big. हाँ, our house is big. House को horse लिख दिया, horse pipe को कहते हैं, horse लिख दिया। हाँ, horse लिख दिया तुमने तो। यूँ तो लिखा ही नहीं। Horse कहते हो, pipe भी लगाते हो। Big. उसको horse कहते हैं, अच्छा ऐसी लाओ। ये equal क्यों नहीं लगाया आपने? आप ही काट दिया। Confused रहती हो ना? हाँ? Yeah plus. यहाँ गलत हो गया तुम्हारा, लो प्लस, हाँ प्लस ही करने हैं सबको, लो पकड़ो गलत है, अब खुद देखो, खुद स्टॉप कर दो बाबू।
तुम्हारा बैग छोटा है, तुम्हारा बैग छोटा, हाँ योर बैग, वेरी गुड। तुम्हारे को वाई कैपिटल बनाओ, वाई ओ यू आर, योर ओ योर बैग इज, हाँ बैग की स्पेलिंग क्या है, बी हाँ बैग इज, वाई भी तो उल्टा बनाते हो तुम, स्मॉल, हाँ योर बैग इज, एक बैग है तो इज, इज स्मॉल, गुड, एस एम डबल ए एल लिख दो, योर बैग इज स्मॉल, डबल ए आएगा, एक ए आएगा, स्मॉल, फुल स्टॉप, मेरा भाई लंबा है, मेरा भाई, माई, हाँ भाई को ब्रदर, ब्रदर नहीं बाबू, ब्रदर, माई, माई ब्रदर, ब्रदर लंबे को क्या बोलते हैं, लॉन्ग, लंबा लॉन्ग, छोटा शॉर्ट, माई ब्रदर इज लॉन्ग, हाँ बिग मत लिख देना, इंसान को बिग नहीं कहते, लॉन्ग लंबा, माई ब्रदर इज, मिटा के इज लिखो फिर लॉन्ग लिखो, उधर रबड़ के तो ले लो, उससे कुछ नहीं होते देता है, 5x2 + 5x - 7 अभी ये पूरा काम हुआ, तनिष्का देखो भाई, 5x2 तो प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती, अगर शुरू में कुछ भी नहीं है कुछ नहीं लगाओ, इससे ही पता चल रहा है प्लस है, ठीक है, 7x में से 5x गया, 2x बड़ा ये था, ठीक है, अब इसको क्यों नहीं किया, ये कांस्टेंट टर्म को भी तो सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 गया 1, बड़ा कौन है ये, इसके पहले क्या साइन है, ये लिखना था इतना, अब अनलाइक है, एक स्क्वायर है, एक है, कुछ नहीं, तो ये बस इतना होगा, तुम्हारी बहन नन्नी है, तुम्हारी बहन नन्नी है, नाटी है, एक लंबा एक छोटा, शॉर्ट, क्या बोलेंगे, स्मॉल नहीं शॉर्ट, नाटी मतलब, तुम्हारी बहन को क्या बोलेंगे, ये छोटी होगी, माई, माई तो मेरी, तुम्हारी, योर, योर, हमारी बहन नहीं तुम्हारी, योर, यू से तुम से तुम्हारा बना ना, यू से योर बनता है, योर 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 सिस्टर इज नॉटी, नॉटी रे नॉटी, छोटी रे छोटी, नॉटी, तो बोलेगा तुम्हारी बहन मोटी है, योर इज मोटी, एन ओ यू जी एच टी, अरे वो वाली नॉटी नहीं है, वो भी गलत है, एन ए यू होता है वो, नॉटी नहीं है तुम्हारी बहन, नॉटी तो होती है शरारती, यहाँ पे लिखना है योर सिस्टर इज शॉर्ट, बैठ जाओ यहीं पे, बंद करो गेट, एस एच ओ टी, एस एच ओ आर टी, एक बज गया, सुनो ये कह रहा है एस एच ओ टी, तुम्हारी बहन सुनो शॉर्ट है, शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट है, हम दो भाई हैं, हमको क्या बोलेंगे, हम, यो, वी, वी W-E-V. V के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, चलो इधर को आओ, आर आएगा V के साथ, इधर आओ, हाँ मटकने को मना नहीं है, लेकिन आर आया तो तेरी हड्डियाँ तोड़ी, V आर है, टू ब्रदर्स, हम दो भाई हैं, आर तो लिखो, V आर टू ब्रदर्स, अरे तो अच्छा इधर वाला करना है, मैं उधर चली गई, तुम्हारा इधर कॉपी दी, उधर का चेक करने लगी मैं, ठीक है भाई तुम्हारा एलसीएम गुड, सही है तुम्हारा, बहने हैं, हाँ बहन नहीं, वे दोनों बहने, वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश, वे, दे, दे के साथ इज, आर की एम, वे एक से ज्यादा लोग हैं, आर, हाँ। आई के साथ आता है सिर्फ एम, ये याद रखना है, दे आर, बहनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर्स, सिस्टर्स, दे आर सिस्टर्स, क्या बोल रहे हो तन्मय, मैं अभी इधर लिखेंगे ना, ये दे आर सिस्टर्स, बस इतना ही, हाँ बोलो, ये इधर लिखेंगे ना, हाँ और इनका सेम करो डिनोमिनेटर, दे आर सिस्टर्स, वे बहने हैं, वी आर टू ब्रदर, एक से ज्यादा तो ऐसे नहीं लगाओगे, वी आर टू, योर सिस्टर इज स्मार्ट, लिख दिया तुमने, शॉर्ट बोला था मैंने, स्मार्ट,
ये स्मार्ट करती है तेरी मेहनत खर्राटे मारती है इसको। शॉर्ट लिखना है तुम्हारी बहन शॉर्ट। देखो मेरे को यहाँ तक कर रहा है, शाबाशी दे रहा मुझे। इधर चलो डोंट गो देयर। खर्राटे वाले क्यों रे स्मार्ट करती है तुम, खर्राटे मारती हो। इधर आ जाओ ना, तनिष्का को तो मुंह भी नहीं आ रहा। तो खड़े होना जरूरी है, नीचे बैठ जाओ। देखो भाई इधर खड़े नहीं होना, नीचे बैठ जाओ। हाँ तो तुम नीचे हो जाओ ना, वो तो नहीं हो, ऊपर क्यों खड़ी हो तुम मेरे दोस्त हो। तुमको क्या कहते हैं इंग्लिश में बताओ फटाफट। यू आर माय फ्रेंड। यू के साथ सीधे मत बोलो, उन्हें करने दो। देखो इधर आओ, ये गलत कर रही हो। क्यूब बन गया अपने आप, क्यूब वाला तो कोई दिया था, क्यूब वाला था, लेकिन यहाँ जाके तो क्यूब तुम्हारा उड़ गया। क्यूब कहीं लगा, ये देखो ना कट पिट कर रखी है, मुझे क्या समझ आएगा। ये टू भी काट दिया तुमने साथ ही साथ, 2x³ था ये, और फिर यहाँ जाके तुम्हें खुद ही याद नहीं रहा कि 2x³ भी है कोई चीज। यहाँ 2x³ तुमने उड़ा दिया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ -2x³, और ये -2x³ ही रहेगा यहाँ पे। हाँ तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा लिखा है, ठीक है फिर तो यू आर माय फ्रेंड। तुम मेरे पक्के दोस्त, तुम मेरे पक्के दोस्त हो। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड कहते हैं पक्के दोस्त को, लिखो। यू आर माय बूजम फ्रेंड, यू आर माय फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड भी कहते हैं बूजम फ्रेंड, बूजी मत लिख देना। बूजी तुम मेरे पक्के, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड लिखो। फ्रेंड को मिटाओ, बेस्ट लिखो। फ्रेंड नीचे लिखो, नहीं आ रहा तो कोई नहीं। फ्रेंड को मिटाओ, बेस्ट लिखो पहले। ए तनिष्का ये मैं नहीं चेक कर रही हूँ, पकड़ो चलो जाओ। मुझे नहीं समझ आ रहा, पहले काट के रख दिया, फिर उसको मैंने पल्ले पड़ रहा हूँ क्या। फिर से करो सही से। ये टू भी कट गया तुम्हारा इस कटिंग में, जो एक गोले बना रही थी यहाँ पे। स्कूल में कोई मैडम कोई ना इतना दिमाग लगाएगी है क्या, सीधे यहाँ से खिचड़ी तक गई मैडम, यहाँ से यहाँ गोला कर देगी। ले मैडम कहेगी तुम्हारा इतना, मैं इतना बड़ा गोला दूंगी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये संतरे हैं, सुनो ये माने कोई चीज पास में है, ये बहुत सारे हैं, ये पास में एक चीज होगी दिस, और बहुत सारी चीज पास है तो दीज लिखो। दीज, हाँ दीज के साथ क्या आएगा, इज आर क्या आर, दीज आर ऑरेंज, ऑरेंज में एस लगा दो, ऑरेंज। दीज आर ऑरेंज, दीज दिस दीज ऑरेंज। खाओगी नहीं, खाना मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है, मुझे तो खाने का मन करता है, खा सकता। फिर खा के क्या करता रहेगा, आंख मारता रहेगा, लगाता रहेगा। सही है भाई तुम्हारा, गुड सही कर रहे हो। नहीं कभी कभी मीठा भी निकलता है ना, वो अच्छा लगता है। मोहन एक बार यहाँ पे आया था ना बेचने वाला, वो लकड़े तो अच्छे थे, मैंने कहा बड़े फ्रेश हैं, ताजे हैं, लिए सारे खट्टे, इतने खट्टे थे ना कि जैसे ही मुंह में डालो ना इतना खट्टा, हद से ज्यादा ही खट्टा था वो। नींबू से भी वैसे ही था, नींबू जैसा ही था और क्या था। फिर मैंने तब से लिए, अभी फिर आया था इस बार, मैंने कहा लेना ही, इतने खट्टे हैं। मीठा वाला अच्छा लगता है ना। चलो करो जल्दी, नींबू खा नींबू। नींबू तो देखा था हमारा, नींबू कितना बड़ा था। अरे हाँ मौसम में जैसा, मौसम में जैसा लग रहा था ना, यहाँ पे रख के थे बेड पे। नहीं नहीं वैरायटी है, लग रहा है ऐसी नींबू ना, इतना बड़ा भी आता है, वो तो छोटा ही था, इतना बड़ा काकुर के वहाँ होता है, इतना बड़ा गलगल कहते हैं वो लोग, नींबू होता है वो, उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। ये नींबू अलग है, उसका टेस्ट भी इतना खास था। आपने बोलते ना पहले खाया है वो नींबू, वो नींबू अलग होता है, ये अलग ही होता है जो हम लोग खाते हैं, छोटा वाला इसका टेस्ट अच्छा होता है, बड़ा इतना टेस्ट नहीं होता। चलो नेक्स्ट पढ़ो फटाफट। यहाँ पे बोला आ रहे कितने संतरे हैं, एक से ज्यादा है ना, ES लिखो मिटा के। अरे मिटा के ES लिखो, ऑरेंज ओ आर ए एन जी ई होती है ना, स्पेलिंग ही गलत लिखी है तुमने, एस को मिटाओ, ES लिखो। एक बार चेक कराओ फटाफट, ई आर ऑरेंज
I'm a tailor. टेलर को टोलर लिख रखा, ढंग से लिख रहा, मैं काट दूंगी फिर बैठे रहना यहीं पे, छुट्टी भी नहीं होगी। टी ए आई एल होता है टोलर। योर बैग इज स्मॉल और वाई भी उल्टा बनाते हो टोलर। ये देखो क्या लिखा, माय ब्रदर इज लॉन्ग 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 लॉन्ग। इसको मिटा के सही करो, ऐसे नहीं चलेगा, काट दूंगी मैं तो। अब तुम्हें फिर चार बार दूंगी फिर तभी खुश रहोगे फिर। लॉन्ग 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 लॉन्ग। दिस नहीं है, दीज है, टी एच ई एस ई, टी एच आई एस सी लिखा, दीज आर ऑरेंज, इसने सही लिखा है यस। ये मिटा के लॉन्ग की स्पेलिंग सही करो, ये मिटा के सही करो, चलो मैं तुम दिखाऊं। और थोड़ा साफ लिखो, ये ठीक है तुम्हारा, गुड। ओ आर ए एन होता है। नेक्स्ट पढ़ो, इसको पढ़ के सुनाओगे क्या लिखा। मोहन और विशाल पक्के दोस्त है। क्या लिखेंगे आप? मोहन और को क्या बोलते हैं? एंड। एंड फिर विशाल। विशाल एक से ज्यादा है तो इज की आर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, बहुवचन आर। मोहन एंड विशाल आर पक्के दोस्त के लिए अभी बताया था, बेस्ट फ्रेंड। एक से ज्यादा है तो एस लगा देना, बेस्ट फ्रेंड्स लिखो नीचे लाइन में, लिखो ऊपर नहीं लिखना। मोहन एंड विशाल। दीदी सुधर जाओ, मैं तो चेक चेक करके ही मर जाऊंगी तुम्हारा, इतना गलत करती हो बार 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 बार। वी आई एस एल, वी आई एस एच ए एल, विशाल प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू माइनस टेन। अभी तो ठीक कर रही हो, देखो अब साइन अपने आप ही गायब कर दिया। कहाँ पे हो गए ये अनलाइक टर्म, एक्स क्यूब वाला एक ही था, सिर्फ एक ही टर्म दी है, इसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया, फिर सोचा है, फिर काटा, फिर नहीं, फिर काट ही दिया। चलो ये कंफ्यूज हो इसलिए, ये क्लियर होना चाहिए ना, इसको क्यों हटा रही हो जब इसके पहले कुछ है नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा अकेला ये, तो इसके पहले का साइन भी पड़ा रहता है, तो माइनस लिखना जरूरी है, ध्यान देना है। ये भी हो गया तुम्हारा सात एक्स, कर ले नौ एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स स्क्वायर, ये पांच एक्स स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो फिर चार एक्स स्क्वायर कहाँ से निकल के आ गया, फिर से चार एक्स स्क्वायर जिंदा हो गया वापस, नो एक्स स्क्वायर में से चार एक्स स्क्वायर घटाया पांच एक्स स्क्वायर, और फिर से माइनस चार एक्स स्क्वायर बना दिया, ये गलत हो गया। फिर से क्यों लिखा, ये दोनों टर्म सॉल्व कर दी ना तुमने, तो इन दोनों की जगह बस ये आ गया, अब इसका तो काम ही खत्म हो गया तुम्हारा, ऐसे समझो ना इसे। ला भाई अरे इसको करो ना, इतना खाना ना रखा है। अब माइनस मैंने मुझे लिखा है, एक मिनट चांदा मारो, उधर खोजने की पड़ी है, इधर नहीं दिख रहा कि क्या करना है तुम्हें। दो है ना एक से ज्यादा तो आर लगाया तुमने, पीछे पलटने की पड़ी है, मिटा उसको। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग और इज आ रहे हैं, मैंने इसमें बता रही हूँ बार बार, इज आर या एम, आर लगाया तुमने, मिटा उसको। सबसे पहले आर लगाना है, नहीं सब्जेक्ट के बाद आर, इज आर एम जो भी है वो लगेगा। मोहन आर, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मोहन ए आर, मोहन आर, अरे रुक जाओ यार, मोहन आर नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो ना। मोहन एंड मोहन और विशाल, तो मोहन एंड विशाल लिखा तुमने, मोहन एंड विशाल, अरे मोहन एंड विशाल ही तो लिखा था। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज आएगा आर की एम, खुद देखो एक से ज्यादा है, और आर लिखो, मोहन एंड विशाल आर, मोहन एंड विशाल आर बेस्ट फ्रेंड। ये गलत है तुम्हारा भाई, देखो क्या गलती की, 22 जा 41 उतारा ना, नहीं जा रहा तो जीरो जा, जीरो लगाते हैं उसकी भी, फिर जीरो फिर यहाँ वन, तब बचेगा ये, ऐसे करते हैं, नहीं तो तुम खुद ही समझ लो ना, 20 दूनी तो 40 ही तो होता है, 400 कोई ना होता है, तो ये जो वन जो बचा ना, फिर ये ऊपर से उतारते हैं जो, उसके लिए जीरो लगानी पड़ती है, और रिमाइंडर भी फिर वही बचेगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, इसलिए गलत हो रहा है, ठीक है 401। तो ये क्या है 401, ये लिखो अब आंसर इसका, यहाँ पे लिख दो लाइन, क्या लिखेंगे, हाँ केजीज करके। माइनस टू एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, अब पांच एक्स स्क्वायर हो गया, दो भी खत्म हो गए, सात एक्स में से तीन एक्स या चार एक्स हो गया, अब सही किया है जाके, अब सही हो गया है, ऐसे ध्यान से करोगी तभी होगा ना सही। हाँ भाई क्या लिखा तुमने, मोहन एंड विशाल लिखा, मोहन एंड विशाल आर बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड में एस लगाओ, फ्रेंड्स एक से ज्यादा शुड बी एडेड, फ्रेंड्स शुड बी एडेड, कौन सा वाला था, शुड बी एडेड वाला करा है,
एडिट क्यों लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क से पढ़ो, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द प्लास्टिक शी कलेक्टेड, इतना किलोग्राम प्लास्टिक, एडिट वाला कोई ना ये, उसमें से स्टेटमेंट लिखनी है ना, स्टेटमेंट ऐसे सबकी सुनो, इसमें एडिट सब्जेक्ट इसमें लिख रही थी, ये तो ये है ना, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द प्लास्टिक डिड शी, अरे यहाँ से लिखना है तुम्हें, कहाँ गया, शी कलेक्टेड इक्वल इतना, शी कलेक्टेड प्लास्टिक इक्वल इतना केजीज। चलो भाई फ्रेंड्स लिख दिया, एस लगा दिया, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, वह चालाक है, वह को क्या बोलेंगे, लड़का है लड़की है जो भी है, यू तो तुम हो गया, ही अगर हमें नहीं पता ना, हम देखो ये वह चालाक है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी, तो हम लेकिन उसे मतलब हम लड़के के हिसाब से ही लिखते हैं, ही इज क्लेवर लिख दो, सी एल ई वी ई आर, सी एल ई वी ई आर, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो थ्री का इससे भी होगा, और फिर प्लस लगा के थ्री का इससे भी होगा, थ्री का मल्टीप्लाई करो ना फोर एक्स स्क्वायर से, पढ़ा क्या है, मुझसे पूछती जाओगी सारा, ऐसे टेस्ट देती हो, कुछ भी नहीं करती हो तुम, शी कलेक्टेड टोटल प्लास्टिक, हाँ ऐसे भी लिख दो, शी कलेक्टेड टोटल, और केजी है तो केजी जरूर लगाना है तन्मय, ठीक है, फुल स्टॉप करो, डुबू सही कर रहे हो तुम, गुड, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, मोहन मेरा भाई है, ठीक है लिखो, मोहन माय, मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया मोहन, मोहन एक है ना, इज, लिखो मोहन इज मंबल्स, हो गया मोहन इज आर इज, बस इज, मेरा भाई, मेरे को क्या क्या है, मोहन मेरा, मेरे को क्या कहते हैं, मेरा भाई, मेरा भाई, माई ब्रदर, मोहन इज माई ब्रदर, फुल स्टॉप, फिर रुक जाओ, डुगू को लिखने दो, साफ साफ लिखो, बी आर ओ टी एच आर, मोहन इज माई ब्रदर, फुल स्टॉप कर दो, नेक्स्ट पढ़ो, वह उसका बेटा है, वह उसका बेटा है, मेरा, वह को क्या बोलेंगे, वह उसका बेटा है, कुछ भी बोल दिया हमने, ही और है कि एक जन की बात है, इज लिखो, ही इज उसका बेटा, हिज एच आई एस, हिज इज, ठीक है, इज, अब हिज लिखो एच आई एस, इज के बाद हिज लिखना है, ही इज हिज सन लिखो एस ओ एन, एस छोटा, हो गया भाई तुम्हारा ये वाला, हाँ। और भी करने ही, अब तुम थक गए बोल रहे हो तो कैसे कराऊं मैं तुम्हें, हिंदी में बहुत गलती करते हो तुम, सीधे बैठ जाओ, मैं चाटा बुआ दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं करते तुम, लेट जाते हो दो मिनट में, यहाँ बैठो सीधे, खड़ा हो जाओ, डंडा ला रही हूँ फिर मैं, यहाँ बैठो, हर दो मिनट में लेट जाएंगे, उस साइड को ब्रैकेट में लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ तो ब्रैकेट में लिखी जाए, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये दो है ना इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी था, ठीक है, बस हो गया, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगेगा, अगर खाली इतना होता तो चल जाता, लेकिन ब्रैकेट लगेगा, दोनों से मल्टीप्लाई है, फोरकास्ट का भी इससे भी, चलो हो गया, नंबर नंबर कुछ डालती नहीं हो इसमें, नंबर नहीं डाला है, नंबर डाल दो, और इक्वल का साइन भी लगा रही हो, देखो, हाँ भाई बोलो, उसका भाई कमजोर है, उसका भाई को क्या बोलेंगे, उसका हिज ब्रदर, अगर लड़की की बात करते तो हर, लेकिन हमें नहीं पता होता तो हम लड़की के हिसाब से लिखते हैं, मैस्कुलिन, हाँ, एच आई एस, एच बड़ा, हिज ब्रदर, बी आर ओ टी एच आर, हिज ब्रदर इज आई एस इज, कमजोर को क्या कहते हैं, वीक, डब्ल्यू ई ए के, सप्ताह मत लिख देना, वीक है, कितने हो गए तुम्हारा, इलेवन तो हो गया, हमारे 16 तक हो गए, एक्चुअली ये तुम्हारे थ्री वाले में स्क्वायर नहीं है, ये तुम्हारा जो दे रखा है ना रेक्टेंगल, तो ये इसका तो ये जितनी उतनी है, जितनी है इतनी है, ना ही है वो है, तो तुम इसको सीधे पैरेललोग्राम बोल दो, कुछ भी फिगर का नाम, इसका दिखाओ, मैं लिख सकती हूँ पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर, हाँ बस ऐसे लिखो, जो नहीं तो हाँ ऐसे लिख सकती हूँ, इसका 12 का तुम, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कौन कौन सा करके दिखाऊँ, इसका थर्ड पार्ट, 13 तो मुझे आता है, 13 तो बहुत इजी है, जो आ जाएंगे वो तो इजी लगते हैं, फिर अगर हमें आने लगता है ना जो सम्स आ जाता है वो इजी हो जाता है, बिल्कुल, ला भाई बुक दे दो तन्ने, दो इधर, हिंदी के शब्द याद करो इस लेसन के फटाफट,
शब्द सुनाता है टेस्ट, तो अब नेक्स्ट क्लास में होगा। वह मोची है। अरे कौन है मोची? सुनाने हैं वो ही बुक और नोटबुक तुम्हारी, उठा लो बुक से याद करो, नोटबुक से नहीं सुनना मुझे, नोटबुक में तुम थोड़ा गलत भी लिख देते हो। मैम पहले मैं 10 के सुना रहा हूं, मैंने सिर्फ 10 12 के सुनाने हैं, सिर्फ 12 के सुनाने हैं। ये तुम्हें 25 तक करना है। 25 तक? हां ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो। मैम 10 और 12 के करने, सिर्फ 12 के करने हैं अभी, 12 के 12 के करो। ये फिगर में पेंसिल बना दूं अभी? वह मोची है, बना दो, बनानी तो पेंसिल से चाहिए, हमेशा बोलते हो बन कर। वह मोची है। वह यानी कौन है, लड़का या आदमी कोई होगा, तो क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ इज आएगा, आर की एम इज, ही इज अ कॉबलर, ए सी ओ ए अ कॉबलर, सी ओ दूर लिखो, ए से चिपका दिया कॉबलर तुमने, ए अलग है कॉबलर अलग लिखना है, सी ओ डबल बी दूर लिखो बाबू, ये से दूर को, ये तो ठीक है बस इतना ठीक है, मिटाना गुल्ली या सी कॉबलर यानी को, सी को सी ओ डबल बी एल ई आर, ही इज अ कॉबलर, कॉबलर माने मोची। ये सब स्पेलिंग तुम्हें लर्न होनी चाहिए, आगे से मैं नहीं बताऊंगी। फुल स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप कर दो, यहाँ नहीं, मैंने बताया नीचे वाली नीली लाइन पे बिंदी लगाते हैं, ऊपर नहीं लगाते, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ो। परेशान को अपसेट, ही इज अपसेट, यू पी एस सी टी, अभाव प्रकट करने का भाव, ही इज अपसेट, हाँ उसको अपसेट रहने दो, ए यू पी एस सी टी, यू यू लिखो बाबू, यू यू फॉर अम्ब्रेला छोटा यू, ही इज अपसेट, हाँ हो गया, ही इज अपसेट, इज ए नहीं लिखना है, ही इज यू पी एस सी टी, यू पी एस सी टी, तनिक जरा सी गिरिराज हिमालय पर्वत, सुनसान निर्जन परिक्रमा श्रद्धा, किताबें नहीं है, क्या लिखा है? यह कहाँ लिखा है? ये किताबें नहीं है, ये किताबें यानी पास में बहुत सारी चीजें, तो क्या बोलेंगे? पास वाली चीज को दिस, दिस का प्लूरल क्या होगा? दीज, डी एच ई एस सी लिखो, दीस, दीस नहीं दीज, दीज के साथ क्या है? इज आर की एम क्या आता है? बहुत सारा है, दीज आर आता है, अभी याद कर लो, अभी रुक जाओ मैं होमवर्क दे रही हूँ, उसके बाद तुम्हारा। दीज आर, दीज आर, दीज आर, लड़ाकर लगाकर गुनगुनाकर थोड़ा गुस्से में बोलते हुए, दीज आर, एक मिनट, नई को क्या कहते हैं? नई, न्यू, एन ई डब्ल्यू, दीज आर न्यू किताबों को क्या कहते हैं भाई? बुक्स लिखो, दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं। श्रद्धा के साथ श्रद्धा और पैदल तथा नंगे पैर चक्कर लगाना, प्रकाश रतन रोशनी का घेरा, विश्राम आराम, हम एक परिवार हैं, सब मैं घर से 11.2 11.3 11.4 के हर क्वेश्चन के दो दो पार्ट करके लाने हैं, सारे नहीं करने हैं, ठीक है? दो दो पार्ट करने हैं सिर्फ, दो दो पार्ट, हाँ। इंग्लिश में क्या है पोयम नंबर 3 जो है, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, राइट एंड लर्न। क्वेश्चन 5 में दो है ए और बी, और क्वेश्चन 6 का एक ही है, वो तीन क्वेश्चन है, ठीक है? उनको लिखना है, याद करना है, बैग में रख लो, होमवर्क मिल गया तुम्हें, नहीं लिखने का काम कोई नहीं, अगली बार किसने बोला माइनस करना है? कहाँ माइनस कह रही हो? यहाँ पे जो माइनस लगाई वो तो लगा ही रहेगा ना, जैसा भी लगाया तो कहाँ, वहाँ से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पूछो ना, क्या पूछो इसमें, पूछो ना, यहाँ पे माइनस प्लस करना है ना, हाँ इनको प्लस करना है आपस में, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन माइनस हो रहा है, तो देख के पता चलेगा, तो ये ऐसे एक साथ प्लस करना है, रख लो बैग में, सुन लो शब्द, बुक नहीं दी मैंने तुम्हें, लो बुक भी रखो अपनी बैग में, आधा घंटा जल्दी करो, हाँ भाई 25 का करना है बस आज, दीज आर न्यू बुक्स, नेक्स्ट पढ़ो, हम एक परिवार है, हमको क्या कहते हैं? यू, तो तुम, वी आर, वेरी गुड, वी आर अ फैमिली, हाँ डब्ल्यू ई वी,
इधर लिखा मुझे ये देखने दो तुमने क्या सही लिखा है गलत लिखा है पहले इसे देख ले दो मुझे समझ नहीं आ रहा इतना सही कर दिया अब तुम्हें बताया तो लाइक टर्म्स को एक साथ प्लस माइनस जो होगा वो खुद करो ना किससे कौन कट रहा है ये खुद सोच लो ना तुम मैं खुश हूं बताइए जिससे जो कट रहा है उसको क्यों देख रही हो अब ये सही लिखा हुआ है बस यहां पे देखो मोदी जी मैं के लिए क्या लगाना है क्या है मैं के लिए मैं खुश हूं आई 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 आर आई के साथ एक ही चीज लगती है सिर्फ एम आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी लगा लो मछली 8 16 होता है ना हाँ 8 2 जगह लो ऐसे प्रहरी प्रहरी यह है एक मेज है क्या बोला प्रहरी प्रहरी माने क्या होता है प्रहरी माने यह प्रहरी पहरेदार हाजिर हाजिर उपस्थित मृत्युदंड मृत्युदंड वाह उसमें महीना था 12 का आपस में सॉल्व होंगे आपस में प्लस करना है जरूरी है प्लस का साइन पढ़ के पता चलेगा माइनस 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 प्लस प्लस होता है प्लस करेंगे और साइन पर किसका आएगा माइनस का ये साइन ही याद नहीं है देखो प्लस माइनस एक मिनट रुक जाओ माइनस माइनस प्लस इधर आओ तनिष्का तो मैं ऐसे साइन पढ़ोगी अभी ये जैसे पहले तो इसको पढ़ लो 4x प्लस है तो इनको जोड़ेंगे एक्स वालों को सारों को जोड़ के लिख दो कितने एक्स हो गए बात समझ में फिर x भी लगाना है जितने भी हो रहे हैं फिर उसके बाद ये माइनस का 5 है ये माइनस का 4 है माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे पर साइन किसका आएगा माइनस का फिर ऐसे दूसरा जो है उनको भी ऐसे कर लेना चलो भाई बताओ मुझे सुनसान सुनसान निर्जल इतने जो कराए इनको पढ़वा एक बार डिस्टर्ब मत करो मुझे और सीधे इधर बैठो आगे 10 बार तुम्हें बोल दिया सीधे तमीज नहीं है बिल्कुल सीधे बैठो तू तो उधर बैठ जा तनिष्का उधर को पढ़ लो अपनी बैठो यहाँ जो अभी कराए इनको पढ़ो पीछे से सारे मुझसे एक भी याद नहीं है तुम्हें इजहार किसके साथ लगाना है किसके नहीं कुछ भी नहीं पढ़ते पीछे से पढ़ के देखो ने यहाँ से किसके साथ इजहार बताया था कल पीछे भी लिखवाया मैंने ये लिखवा रखा है यहाँ इजहार ये डुबू यहाँ और पीछे है इजहार वाला वहां से पढ़ो जब वो क्लियर होगा तो अपने आप पता होगा किसके साथ हाँ भाई प्रकाश व्रत प्रकाश रोशनी का घेरा विश्राम आराम ठिटक्कर ठिटक्कर ये सारे एक बार याद करो डिस्टर्ब मत करो मुझे आश्चर्य आचरज परिक्रमा ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरों को पढ़ने देंगे परिक्रमा श्रद्धा पूर्वक चारों ओर पैदल पैदल तथा नंगे पैर चक्कर लगाना सक पकाकर संकोच करते हुए अभिवादन तब अभिवादन श्रद्धा के साथ किया गया परिणाम प्रणाम परिणाम नहीं प्रणाम माने नमस्ते नमस्ते भी बोल सकते हैं मुद्रा स्थिति तनिक जरासी सायंकाल शाम का समय राहगीर मुसाफिर अड़ाकर लगाकर वेरी गुड गुनगुनाकर थोड़ा गुस्से में बोलते हुए कृषक किसान इनाम पुरस्कार कृतज्ञता आभार प्रकट करने का भाव हकदार जिसे हक मिला हो इनाम पुरस्कार ये स्पेलिंग आंचे तुम एक्चुअली स्पेलिंग गलत लिखते हो स्पेलिंगों को याद करो स्पेलिंग गड़बड़ देखा नहीं उसमें पूरी गलत कर्तव्य लिखना कर्तव्य तुम्हारे में आंसर वो क्वेश्चन जो है ना उसमें भी गलत लिखी थी कर्तव्य की पर तुम तो वैसे भी गलत कॉपी में तो सही थी तुम्हारी कर्तव्य लाओ नेक्स्ट 2-3 और करा दो उसके बाद पढ़ना इनको पीछे बोलो He, she, it के साथ क्या आएगा या एक नाम दिया है सिंगल तो इज है होता है तो इज आता है चलो नेक्स्ट पढ़ो बाबू क्या नहीं है तुम्हारे पास पेंसिल पढ़ो जल्दी फटाफट यह एक मेज है यह को क्या बोलते हैं दिस एक है ना पास में कोई चीज एक है तो दिस के साथ क्या लगेगा दिस इज
दिस इज अ टेबल और फुल स्टॉप कर दो। अब नेक्स्ट पढ़ो। वहां नहीं बाबू, बिंदी ना यहाँ नीचे वाली पे लगती है, ऊपर वाली पे नहीं। यह एक पेन है। ये भी ऐसी बनाओ जैसे ऊपर वाला बनाया। दिस वेरी गुड। दिस के बाद मेरा लिखा है क्या? दिस इज तुम्हारा अलग है। दिस तुम ऐसे बनाओ, डुबो जैसे यहाँ दिस इज ए लिखो, तुम अपना लिखो ऐसे, उसका अलग। दिस इज अ पेन लिखो, पी एन। दिस इज तुम्हारे को माई पेन, उसका पेन है खाली। दिस इज अ पेन, दोनों का अलग है। शेर एक जंगल जानवर। अब ये देखो तनिष्का रानी, 10 का 16 बना दिया। बताओ कोई क्या पढ़ेगा? जानवर है। 10 है। लापे बड़ी की मात्रा है। क्या लिखा है? शेर है। दिस इज अ पेन हो गया, फुल स्टॉप करो नीचे नीली वाली लाइन पे, नीचे वाली पे। हाँ यहाँ करते हैं। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट शेर एक जंगल। अरे यार मैथ्स में ऐसे नहीं काटते, पूरा इधर कर लो। अब ऐसे नहीं होता है, वहीं पे काट दिया। लायन लिखो, एल आई वन। एल कैपिटल बाबू, बड़ा एल। एक है ना शेर, तो इज है कि आर? एक के साथ इज सिंगुलर है। लायन इज आ। जंगली को क्या कहते हैं? वाइल्ड। लिखो डब्ल्यू आई एल डी। लिखो एल डी। लिखो वाइल्ड एनिमल। नीचे लिख दो, वहां नहीं आएगा डुगू। नीचे लिखो एनिमल। अरे फुल स्टॉप मत लगाओ, नीचे एनिमल लिख दो। ए छोटा हो गई यार, रख दो बैग में से। उसका भी 12 का रिवाइज करो। 12 है कौन सा है? वो 10 आ रहा है। 10 और रिवाइज कर लो इतने। स्टॉप करो डुगू, फुल स्टॉप। नेक्स्ट करो भाई। 25 तक ही करना। अरे मैं भाग्यशाली हूँ। मैं को क्या कहते हैं? मैं तो हम होता है, हम भाग्यशाली है तो बी लिखते हैं। यू तो तुम हो गए, मैं बोल रहा हूँ। आई के साथ एम, वेरी गुड। आई एम कारीगरी। आई एम भाग्यशाली को क्या कहेंगे? लकी। एल यू सी के वाई। आई एम लकी। नेक्स्ट पढ़ो, कटी तक कर लो अभी। नेक्स्ट पढ़ो। धार्मिक है। धार्मिक माने ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। अच्छा वो लड़का है। हाँ लड़का है। अगर हमें नहीं पता तो लड़की भी हो सकती है, लेकिन हम लड़के के हिसाब से लिखते हैं। अभी हमें नहीं पता ना, कॉपी में लिखा हुआ तो ही लिखना है, शी नहीं। ही इज, वेरी गुड। ही इज, अभी सुनेंगे। ही इज, ए नहीं लेना। ही इज रिलीजियस। आर ई आर ई एल आई एल आई जी आई जी आई ओ यू एस रिलीजियस। He is religious. तनिष्का रानी इधर देखो क्या करती है? थ्री बन जा, थ्री कर दो ना यहाँ पे। लाइन गलत है तुम्हारी। थ्री बन जा थ्री, पहले तो वन बन जा वन हो गया। थ्री बन जा थ्री प्लस वन प्लस ए इक्वल टेन। थ्री और वन फोर, ऐसे ए इक्वल। अब आएगा ये, फिर ए हटाना नहीं है, ए लिखना जरूरी है क्योंकि ए की वैल्यू पूछी। अब ठीक होगा ये सब जाके। क्या लिखा? G-I-O-U-S, full stop. Next पढ़ो। जब भी ऐसे टाइम की बात की जाए ना, चार बजे हैं, दो बजे हैं, तो क्या लिखना है? इट से लिखना। लिखो इट इज फोर ओ क्लॉक। चार लिख के मैं बताती हूँ कैसे ओ क्लॉक लिखते हैं। इज लिखो, मैं बता रही हूँ लिख के एक बार। चार लिख दो, फोर ऐसे लिखना। फोर ओ क्लॉक, चार लिख दिया, फिर ओ लिख दो ऐसे, ऐसे लिखना है। वैसे तो जितना बड़ा इतना बड़ा ऐसे लिखना है। हाँ, ओ के ऊपर बाबू कॉमा लगा, सही लिख रहे हो। फोर ओ क्लॉक है। इट इज फोर ओ क्लॉक। फोर भी इतना छोटा ही बनाओ फिर। चलो बजे है। अब नेक्स्ट खुद करो। छह बजे है तो इसको भी ऐसे लिखो। क्या लिखेंगे? इट से बनाते हैं, सलीके से, अच्छे ढंग से, कारीगरी कारीगरी हाथ से, कुछ गुण कुछ बनाने का, बनाने का गुण, चिड़े 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 नर चिड़िया, विशाल का है, विशाल का बड़े शरीर वाला, पंगा पंगा झगड़ा, जुगत जुगत उपाय, चुग्गे चुग्गे दाने, कष्टकारक कष्टकारक कष्ट देने वाला, आनंद आनंद मजे मजा, ढंग ढंग सही सलीके से, तरीका वेरी गुड, सलीका बोल सकते, पछतावा पछतावा पछता। इट इज एट ओ क्लॉक, इट इज फोर ओ क्लॉक, इट से बनाते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, ये दो करने हैं बस। रख लो भाई बैग में अपना, बंद करो, पैक कर लो।
बाहर बारिश हुई है थोड़ी देर में निकलना, सबको निकाल दूंगी एक साथ। नेक्स्ट पढ़ो बाबू। दस। हाँ भाई नेक्स्ट पढ़ो। दस बजने, इधर ध्यान दे रहा ना, इतना टाइम नहीं है तो यही रहो अभी, मत जाओ बाहर, एक साथ जाना सारे। दस बजने में 5 मिनट बाकी है, जब कोई टाइम बाकी होता है ना तो तू लिखते है। दस बजने में 5 मिनट बाकी है तो 5 पे लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे में एक भी लिखू। इट इज, लिखो आई बड़ा बनाओ, अरे बंद कर दो, धुआं आ गया नीचे से। इट इज पटाखे का स्मेल आ रहा है, कल तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वही तो आ रहा है कल वाला। इट इज, जल्दी लिखो फटाफट, इतना टाइम नहीं। कल नहीं आई थी मैं। 7 मिनट्स आर लेफ्ट। इट इज 5 मिनट, 5 लिख दो नंबर में, छोटा सा मिनट लिखो। MINU, अरे नीचे लाइन में लिखना था, जगह कोई बात नहीं। TES, अब मंडे को अपने टाइम पे ही आना है जिसका जोड़ा। 1 मिनट, अरे रुक जाओ अभी और लिखना है ना। 10 बजने में 5, इट इज 5 मिनट्स to 10, TO2 लिखो, टी छोटा, TO2, टी मोड़ के यहाँ, ओ 10 लिख दो, छोटा लिखना है, 1 मिनट 10 है ना, ऐसे नंबर इतना बड़ा मत लिखा करो, नंबर ना बाबू यहाँ लिखा करो ऐसे दो लाइनों में, 5 भी है छोटा आगे से। अब ये वाला भी ऐसे, ये 15 मिनट को पर अलग है, मैं बताती हूँ। हाँ जैसे ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में हटा देना है ना, क्योंकि माइनस होगा इसमें, बोला है एक रोप इतनी है, हमने इतनी यूज कर ली, अभी ब्रैकेट नहीं हटाना है, बाद में हटेगा, पहले तो तुम इसको वो करना माइनस करके, माइनस का साइन लगेगा पहले, फिर साइन जब चेंज होगा तब ब्रैकेट खुलेगा। हाँ भाई चलो पढ़ो फटाफट। इट इज 5 मिनट्स to 10, 12 बजने में 15 मिनट, 15 मिनट को क्या कहते हैं, 1 क्वार्टर लिखो। इट इज, इट से बनाओ, इट इज, इट इज 15 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 क्वार्टर याद रखो, 15 मिनट को ए, ए लिखो ए, ए, अब क्वार्टर लिखो, क्यों मैं बताती हूँ ऐसा क्यों लिखना है, क्यों यू ए, मिनट से भी लिख सकते हैं ना, पर क्वार्टर बोलते हैं 15 मिनट को, बाकी 15 भी लिख सकते हैं। इट इज अ क्वार्टर, किसमें बाकी है, मैंने मिनट लिखा, अरे रुक जाओ ना 1 मिनट, देखने नहीं देते बिल्कुल, ये लाइन छोड़ तो रखी है और किस लिए यहाँ चिपका रहे हैं, यहाँ से लिखना है, देखता भी नहीं है बिल्कुल, ये ध्यान नहीं देते, रुक जाओ बाबू। इट इज अ क्वार्टर, रुको क्या लिखा है, 12 बजे, इट इज अ क्वार्टर टू, टू 12 लिख दो, टू टी ओ टू लिखना है, टू 12 टी ई आर क्वार्टर, नहीं रुको, इट इज ए, ए लिख दो, ए लिखो पहले, क्वार्टर यहाँ लिखो, क्यू यू ए, क्यू छोटा, मैं बताती हूँ ऐसे, देखो कितना गंदा लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारा क्या करूँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा, साफ लिखो, इट इज अ क्वार्टर, क्यू सही से बनाओ, क्यू यू ए टू आर, चुप रहो थोड़ी देर, टी आर, रुक जाओ, इट इज अ क्वार्टर, अब टी ओ टू लिखो, इट इज अ क्वार्टर टू, 12 लिख दो, 12 लिख दो यहाँ, 12 बस, फुल स्टॉप कर दो, हो गया। ये इट से बनते हैं टाइम वाले, यानी 12 बजने में 15 मिनट वाले, 15 मिनट को क्या कहते हैं, क्वार्टर, क्वार्टर, वी आर आर फैमिली, दीस को दिस लिखता है, दी टी एच ई एस ई, टी एच आई एस ई नहीं होता, टी एच ई एस ई होता है, मुझे गजा करके लाने सारे। हाँ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, लाओ चेक करो, सवाल है, सही है भाई, हाँ तू आ रही है, सही आ रही है, अब छुट्टी हो रही है बस, ये तनिष्का रानी तो उतने में ही रहेगी पूरा, पर करें हैं कुछ, पर प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, इजी लगते हैं टफ लगते हैं, पहले तो ये बताओ, मीडियम लगते हैं ना, नहीं अभी यहाँ पे करें इसको बार बार, तुम खुद से बैठो ना लेके घर पे, अब तुम बड़ी क्लास में हो, तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तुम जितना प्रैक्टिस करोगी तो आएंगे, अब मुझसे तो समझ लिया, हाँ यहाँ यहाँ, अब इन्हें घर जाके एक एक सम को तुम 10-10 बार करती रहो करती रहो, तो अपने आप ही आने लगेगा, कैसे कि हम खाली बैठे हैं उसको प्रैक्टिस कर, हाँ प्रैक्टिस करो उस समय बैठ के घर पे, और क्या, घर पे पूरे टाइम फ्री तो तुम्हारा काम ही क्या, तुम क्या खाना बनता है, तुमसे सुबह को दोपहर को कई टाइम, जब भी पूरे दिन फ्री हो तुम, थोड़ी देर खेलिए फिर पढ़ने बैठ।